जितने भी स्टूडेंट रॉन्ग डोमेन सेलेक्ट कर चुके हैं, गलतियां कर चुके हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपकमिंग टाइम में इसको करेक्ट कर लेना। और ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हर साल की कहानी है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ, लास्ट डेट पे बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने वाला था, उस दिन मेरे पास एक कॉल आया, सर मैंने क्या कहते हैं ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा और मैं बी इंग्लिश ऑनर्स में अप्लाई करूंगी, मेरे को प्रिपरेशन करनी है। मैंने बोला आपने क्या क्या सेलेक्ट करा है, बोले कि मेरे को डी यू में बी इंग्लिश ऑनर्स करना है, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज लिया है। मैंने बोला आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, अब आपको अगले साल देना पड़ेगा, आपका एडमिशन ही कंसिडर नहीं करेगा डी यू, क्योंकि क्राइटेरिया यू हैव टू फुलफिल एंड साथ में आपको उनके जो सब्जेक्ट्स मैपिंग मांगी गई है कोर्स के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की जो डिमांड करी गई है, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन का फ़ायदा क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती तो ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, वो गलती क्या है कि बस अगर हमने अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर CUT के एप्लीकेशन फॉर्म में अगर भाई मैंने 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं, 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं, लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन्स प्लस GT, तो ये जो लोग हैं, इस कैटेगरी वाले जो लोग हैं, ये सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हमने 5 सब्जेक्ट भर दिए, तो 5 सब्जेक्ट अगर हम एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हमारा एडमिशन नहीं होगा, और पूरा का पूरा प्रेशर अपने ऊपर लिया जा रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट 3-4 चीज़ों से फुलफ़िल हो रही है तो उन पे ज़्यादा फोकस करना। हमें अपनी मेरिट बनानी है, शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के हमें अपनी मेरिट बनानी है, तो उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर एक स्टूडेंट BSc कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि भाई आपको लैंग्वेज लेना है और आपके 3 सब्जेक्ट लेने हैं क्लास 12th के, जिसमें से एक B1 और B2 में से हो सकता है। बहुत सारे BSc कोर्सेज के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा गया है कि PCB ही लेना है, लेकिन ये चीज़ मेंशन करी गई है कि 3 सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री उन्होंने मेंशन कर दिया, चौथा तीसरा जो सब्जेक्ट है आप फिजिकल एजुकेशन भी तो ले सकते हो। आपको बनानी है अपनी मेरिट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आप बोलेंगे सर गुड न्यूज़ बताने आए थे, क्या चीज़ बताने लग गए। भाई गुड न्यूज़ के साथ साथ बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ कर रहे हैं, और गलती बस इस चीज़ की कर रहे हैं कि सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं, 50-50 सब्जेक्ट भर के 50 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, पूरे दिन यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, GT भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, क्वांट्स भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, डोमेन्स भी पढ़ेंगे, और सुपर ह्यूमन बनने वाले हैं वो लोग पढ़ पढ़ के। तो जो चीज़ें आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है उस पर फोकस करो ना, क्यों उस 50 सब्जेक्ट्स में हाथ दे रहे हो। अपनी मेरिट सुधारो, मेरिट बेकार मत करो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कोई भी BSc ऑनर्स है तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मेंशन करा गया है, एनिमल लैंग्वेज मेंशन करा गया है, लेकिन बहुत सारे BSc ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर आपको Any 2 सब्जेक्ट बोला गया है, Any 1 फ्रॉम Section 1, मैथमेटिक्स कंपलसरी, उसके बाद 2 सब्जेक्ट आप कोई से भी ले सकते हो, तो क्यों ना फिजिकल एजुकेशन भी आप इसमें ऐड कर लो। तो B1 जहाँ पे आपके साथ B1 मांगा गया है, वहाँ पे B1 वाले ही एजुकेशन वाले आपको सब्जेक्ट लेने हैं। जहाँ पे B1 एंड B2 दोनों मेंशन करा गया है, वहाँ पे आपको B2 भी आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे मेंशन करा गया है B2, Any 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, तो आप फिजिकल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट लेके भी अपनी हाई मेरिट बना सकते हो। DU के पास जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पे आपकी मेरिट देखी जाएगी, फाइनल स्कोर देखा जाएगा, और आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो अपने सब्जेक्ट्स के थ्रू, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट एडमिशन फर्स्ट। फाइन।